हर एक यूट्यूबर यही सोचता है कि उसके साथ ये ना हो, हर एक यूट्यूबर यही चाहता है कि उसके वीडियो में ये चीज ना हो। क्या ना हो मैं बताता हूँ, कॉपीराइट स्ट्राइक ना हो, कॉपीराइट क्लेम ना लगा हो। कॉपीराइट लग जाता है तो वो आपका व्यर्थ चला जाएगा, वो वीडियो आपका बनाना, वो चैनल आपका बनाना, अपलोड करना वीडियो, वो सारी की सारी मेहनत आपकी व्यर्थ चली जाएगी, कोई फायदा नहीं होने वाला है। इसीलिए हर छोटे से छोटा यूट्यूबर, हर बड़े से बड़ा यूट्यूबर इस बात का बहुत ही ख्याल रखता है। कॉपीराइट का मतलब क्या होता है, आसान भाषा में समझा देता हूँ, इसका मतलब होता है अधिकार। जैसे मान लो आप अपना कोई वीडियो बनाते हो, आपका कोई दूसरा कॉपी करता है, तो आपको अधिकार है कि आप उसके खिलाफ एक्शन ले। आज मैं आपको तीन ऐसी चीजें बताऊंगा जो कि अगर आप यूट्यूब क्रिएटर हो या फिर अगर आप यूट्यूब पर वीडियो देखते हो तो आपको ये जाननी ही चाहिए कि कॉपीराइट क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, ये हमारे वीडियो पर कब क्यों कैसे आता है, इससे क्या फायदा क्या नुकसान है, और तीसरी चीज ये, इससे हम कैसे बच सकते हैं। अब बात करते हैं कॉपीराइट होता क्या है। कॉपीराइट अगर आप किसी दूसरे का कंटेंट चुराते हो या फिर किसी दूसरे का वीडियो लेते हो, फोटो लेते हो, इमेज लेते हो, ए टू जेड कुछ भी लेते हो, तो वो कॉपीराइट हो जाता है और उस बंदे को अधिकार रहता है कि वो आपके खिलाफ कंप्लेंट कर सकता है, रिपोर्ट कर सकता है, आपका वो वीडियो हटा सकता है, डिलीट कर सकता है, चाहे जो भी कर सकता है, तो उसके पास वो अधिकार होता है। अब बात करते हैं कि कॉपीराइट कितने प्रकार के होते हैं। कॉपीराइट दो प्रकार के होते हैं, कॉपीराइट स्ट्राइक और कॉपीराइट क्लेम। अब बात करते हैं कॉपीराइट स्ट्राइक में क्या होता है। कॉपीराइट स्ट्राइक में ये होता है, जैसे मान लो मैं अपना वीडियो बना रहा हूँ, आप मेरी बिना परमिशन लिए उस वीडियो को यूज़ करते हो, चाहे एडिट करके, चाहे थोड़ा बहुत भी यूज़ करते हो, और अगर बाय द वे मान लो मेरे पास वो आ गया तो मैं आपके खिलाफ स्ट्राइक कर सकता हूँ, रिपोर्ट कर दूंगा और YouTube उस पर जांच करेगी और आपका वो वीडियो डिलीट कर दिया जाएगा। और एक और बात बता दूं, 3 महीने में अगर 3 बार आपको स्ट्राइक लग गई ना तो आपका चैनल सस्पेंड कर दिया जाएगा, फिर आप नहीं बना पाओगे वीडियो। अब बात करते हैं कॉपीराइट क्लेम की। कॉपीराइट क्लेम भी सेम टू सेम कॉपीराइट स्ट्राइक की तरह होता है, बट इसमें यह एक फायदा रहता है कि आपका वो वीडियो डिलीट नहीं किया जाता है, और इसमें नुकसान ये होता है कि अगर आपका चैनल मोनेटाइज नहीं है तो वीडियो मोनेटाइज नहीं होगा, अगर हो भी जाता है तो उसका सारा का सारा रेवेन्यू जान दो ना, मतलब कि जो आपका इनकम होगा उस वीडियो से वो सारा का सारा उस बंदे को जाएगा। ये चीज़ यूट्यूब की गलत है, इसको सही करनी चाहिए। मुझे देख लो, मेरे आधे वीडियो में कॉपीराइट क्लेम लगा है, आधे वीडियो में नहीं लगा है, और एक बार मुझे कॉपीराइट स्ट्राइक भी लगा था जब मैं पहले अपना यूट्यूब स्टार्ट किया था तब। अब बात करते हैं कि आप इससे कैसे बच सकते हैं। देखो भाई, अपना ओरिजिनल कंटेंट बनाओ, चाहे आपका वीडियो बेकार बने, चाहे अच्छा बने, चाहे व्यू आए चाहे ना आए, लेकिन आप अपना ओरिजिनल कंटेंट बनाओ, कहीं से भी कुछ कॉपी ना करो। लेकिन अगर आपको जरूरत है तो कुछ ऐसी साइट्स भी हैं जहां से आप फोटो वीडियो फ्री में कुछ डाउनलोड कर सकते हो, उस पर आपको कॉपीराइट नहीं लगेगा। और अगर एक और चीज बता दूं, अगर आप पढ़ाई कोई एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो बनाते हो तो अगर आप कोई पढ़ाई की चीज़ यूज करते हो तो आप पे कोई भी कॉपीराइट क्लेम स्ट्राइक नहीं लगेगा। और अगर आप कोई ऐसी चीज़ करते हो जो आपको सख्त ज़रूरत है, फिर YouTube उसे देखेगा कि भाई इससे इस चीज़ की ज़रूरत थी कि नहीं, तो उसके हिसाब से फिर वो आपको बताएगा कि इस पे क्लेम स्ट्राइक लगना चाहिए कि नहीं। तो अगर आपको बहुत ज़रूरी है तभी यूज़ करना, बेवजह बिल्कुल भी दूसरे का कुछ यूज़ ना करना। कुछ ऐसे चैनल भी बता देता हूँ जो तुरंत स्ट्राइक दे देते हैं, जैसे टी सीरीज, WWE, इनका आप थोड़ा सा भी कुछ भी ले लेते हैं अपने वीडियो में और अपलोड करते हैं तो अपलोड हो जाएगा, लेकिन वो चलेगा नहीं, स्ट्राइक आ जाता है तुरंत, ये आपका वीडियो तुरंत हटा देते हैं। लास्ट में बस इतना कहना चाहूँगा कि अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया, कोई भी डाउट है, एक बार फिर से कह रहा हूँ, कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट कर दिया करो, क्योंकि कमेंट नहीं करोगे तो मुझे भी समझ में नहीं आएगा क्या कैसे करना है। तो कमेंट कर दिया करो और चैनल को जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करो ताकि सबको पता चले, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ। जय श्री राम।